दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कृषि बिल के विरोध में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इन किसानों को समर्थन देने के लिए साथ ही दिल्ली सीमा पर आंदोलन करने के लिए राज्य मंत्री बच्चू कड़ू के नेतृत्व में विदर्भ के किसान गए थे। वहां से वापस लौटते हुए राज्य मंत्री बच्चू कड़ू इन्होंने नागपुर पत्र परिषद ली और आगे की भूमिका बताई। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के बाद अब मुकेश अंबानी के घर के सामने आंदोलन किया जाएगा। शेतकरी जेव्हा आंदोलन करतात त्यांनी पूर्ण तयारी केली आहे। पंजाब आणि हरियाणामध्ये सगळे शेतकरी अजूनही 6 महिने आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे, ते मागे हटणार नाही। आणि मला वाटतं मुळात आता सगळ्या आता आम्हीसुद्धा 22 तारखेला मुंबईला अंबानीच्या घरावर मोर्चा काढतो आहे, तिथेसुद्धा आमचा मोर्चा आहे। आणि त्याचं मूळ कारण अंबानी असल्यामुळे आता त्यांच्या घरावर जाऊन मोर्चा 22 तारखेला आम्ही काढणार आहोत। होईल, प्रश्न शेतकऱ्याच्या बाजूने झुकावं लागेल सरकार, आणि आम्ही सोबत आहोच ना। आता 1200 किलोमीटर बाईकने गेलोय, आता अधिक दुसऱ्या मार्गाने जाऊ कुठल्या। राज्य सरकार ने शिक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पद भर्ती पर रोक लगा दी है। ऐसे में महाराष्ट्र के सभी शिक्षकों ने सरकार के इस निर्णय का निषेध किया है। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने कहा कि इस विषय पर राज्य मंत्री मंडल में चर्चा चल रही है, जल्दी निर्णय लिया जाएगा। पण आता बरेच आमदाराचा विरोध आहे, आम्ही सुद्धा त्याला विरोध करतोय, स्वतः राज्यमंत्री असून सुद्धा। आमचा विचार आहे का चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याला तिथे चपराशी म्हणा किंवा स्वच्छ कामगार, स्वच्छता सफाई कामगार म्हणा, हे आवश्यक आहे। तो निश्चित सरकार त्याबाबत निर्णय घेईल। सर, हा झाला शिक्षणाचा विषय।